हम लोग पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मैंने आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल सेक्स ऑर्गन्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या गोनेड्स, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या गोनेड्स वो होंगे जो दो काम करेंगे। पहला गैमीट्स ऑफ द सेक्स प्रोड्यूस करेंगे, उस सेक्स का गैमीट बनाएंगे। दूसरा ये सेक्स हॉर्मोन्स सिंथेसाइज या प्रोड्यूस करेंगे विच रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फिर मैंने आपको बताया कि जो मेल गोनेड्स हैं, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये टेस्टीज होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टीज। और टेस्टीज बनते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमेन में, जबकि इंट्रा यूटराइन लाइफ में प्रेगनेंसी के लगभग सातवें आठवें मंथ में ये डिसेंड कर जाते हैं इनटू एन एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, या कह सकते हैं एक हैंगिंग आउट पाउच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं या स्क्रोटल सैक बोलते हैं। समझ लीजिए कि ये क्या है, ये क्या है, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक है। हमने आपको बताया था कि स्क्रोटम में यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव प्रेजेंट होगा जो कि अंदर से और बाहर से भी विजिबल होगा। बेस ऑफ द ग्लांस पेनिस से स्टार्ट होता है और ये टेस्टिस तक प्रेजेंट होता है, स्क्रोटल सैक के नीचे तक। इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन रेफे, मीडियन रेफे या सेप्टम स्क्रोटाई बोलते हैं, जो कि स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम को दो चैम्बर्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, राइट स्क्रोटल सैक और लेफ्ट स्क्रोटल सैक। और यह भी मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट स्क्रोटल सैक स्लाइटली हैंग्स डाउन देन राइट वन, ये थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर यहां पे प्रेजेंट होगी टेस्टिस, यहां पे प्रेजेंट होगी टेस्टिस। तो ये जो लेफ्ट टेस्टिस है, लेफ्ट टेस्टिस है, ये थोड़ा सा राइट टेस्टिस से नीचे प्रेजेंट होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये स्क्रोटल सैक जो है दोनों पैरों के बीच में है, थाइस के बीच में, तो चलते टाइम, उठते बैठते टाइम, दौड़ते टाइम ये टेस्टिस या स्क्रोटम क्रस्ट ना हो जाए दोनों पैर के बीच में, थाइस के बीच में। इसलिए नेचर ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि एक को ऊपर एक को नीचे कर दो, तो जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसे बताने जैसा कुछ नहीं था। और फिर मैंने आपको बताया था कि इतना हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, इतने तक का ऑर्गेनाइजेशन और इतने तक का डेवलपमेंट हम लोगों ने पूरी तरीके से समझ लिया था पिछले वाले लेक्चर में। और फिर हम लोगों ने ये बात किया था कि अगले वाले लेक्चर में हम इस टेस्टिस को निकालेंगे बाहर और समझने की कोशिश करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, इसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस को। यानी अब हम बात करने वाले हैं टेस्टिस के एनाटॉमी पे, यानी इसके अंदर क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो अगर हम एक टेस्टिस को बाहर निकाल करके देख रहे हैं, मैं आपको एक टेस्टिस के रेफरेंस में बता रहा हूं और यही लागू होगा दोनों टेस्टिस पे। तो अगर हम एक टेस्टिस को देखें तो टेस्टिस जो है ऑलमोस्ट ओवल शेप्ड होगा, ऑलमोस्ट ये कैसा होगा, ओवल शेप्ड होगा, ओवल शेप्ड होगा। और अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं, इसके डायमेंशन की बात करते हैं अगर, तो हर एक टेस्टिस का जो विड्थ है, चौड़ाई है जो, वो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होगी। लेंथ होगा 4 से 5 सेंटीमीटर का। और अगर हम वेट की बात करते हैं तो हर एक टेस्टिस का वेट होगा 10 से 15 ग्राम्स। तो ये जो मैंने डेटा लिखा है ये एक टेस्टिस के रेफरेंस में लिखा है, और यही दोनों टेस्टिस का क्या होता है, डायमेंशन होता है। विड्थ कितनी होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होगी, 4 से 5 सेंटीमीटर। वेट कितना होगा, लगभग 10 से 15 ग्राम्स हर एक टेस्टिस का। और अगर हम इस टेस्टिस को यहां से लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट कट करते हैं और इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखते हैं, तो यहां पे किनारे की तरफ बीच के साइड में एक लॉन्गिट्यूडिनल फिसर प्रेजेंट होगा, इस तरीके से एक लॉन्गिट्यूडिनल फिसर प्रेजेंट होगा। और इस लॉन्गिट्यूडिनल फिसर को हम लोग बोलते हैं मीडिया स्टेनम, इसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम। तो मैंने आपको बताया कि ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटल सैक है, ऐसे समझिए ये स्क्रोटल सैक है। तो अगर हम इस टेस्टिस को कट कर रहे हैं स्क्रोटल सैक के अंदर, तो यहां पे हमको दिखाई देगा एक ये और इसी तरीके से एक ये, यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल फिसर प्रेजेंट है ये बीच में प्रेजेंट है। ये लैटरल साइड हो गया, ये लैटरल साइड हो गया, और ये क्या हो गया, मीडियन साइड हो गया, बीच वाला साइड हो गया। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल फिसर है हर एक टेस्टिस में, ये प्रेजेंट होगा किधर, इस साइड, बीच वाले साइड में। जो टेस्टिस के अंदर वाले इस कंपार्टमेंट को, इस चैम्बर को
दो पार्ट्स में या दो चैंबर्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अंदर की तरफ अगर हम देखेंगे, इनर साइड में देखेंगे तो स्मॉलर चैंबर बनेगा, आउटर या लैटरल चैंबर को देखेंगे तो ये कंपैरेटिवली क्या होगा, लार्जर होगा। जैसे कि हम इस किडनी, इस टेस्टिस को अगर हम बाहर निकाल रहे हैं, सॉरी किडनी निकल गया होगा फ्लो में, तो हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं, ये जो टेस्टिस है इसको हम लोग अगर बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर की तरफ यहाँ पे हमको एक छोटा चैंबर दिखाई देगा और बाहर या लेटरल साइड में हमको यहाँ पे कंपैरेटिवली लार्जर चैंबर दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडिनल फिसर। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मीडिया स्ट्रेनम बोल रहे हैं। इतना ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात समझिए ध्यान से, ये जो टेस्टिस है, ईच टेस्टिस इज इन्वेस्टेड बाई अ टफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर। इसके चारों तरफ एक इस तरीके से टफ कनेक्टिव टिश्यू की क्या प्रेजेंट होती है, लेयर प्रेजेंट होती है। और इस टफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को मैं बोल रहा हूं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसको मैं बोल रहा हूं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट देखा इस टेस्टिस का, और हमने ये कहा कि हर एक टेस्टिस, ईच टेस्टिस इज इन्वेस्टेड बाई अ टफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर, कनेक्टिव टिश्यू लेयर का एक कवच, एक टफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर का कवच बन जाता है ओवर द टेस्टिस। और कवच के लिए हम लोग बायोलॉजी में टर्म यूज करते हैं ट्यूनिक, इसलिए हम इस लेयर को क्या बोल रहे हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यहाँ पे कुछ और लेयर्स होंगी, जैसे कि अंदर की तरफ ट्यूनिका वैस्कुलोसा, बाहर की तरफ ट्यूनिका वेजानालिस, बट आई एम नॉट मच बदर्ड अबाउट दैट, हम उनके लिए बहुत ज्यादा विशेष बात नहीं कर रहे हैं। हमारा विशेष फोकस है यहाँ पे इस लेयर पे, इस ट्यूनिक पे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो एक कवरिंग की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि और दो कवरिंग्स होंगी, उनके लिए हम लोग विशेष बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो मैंने आपको बताया कि जो टेस्टिस है इसके चारों तरफ एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, किसका, एक टफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर का, और ये एक कवच बना रहा है, एक कवरिंग बना रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिक। और इस कवरिंग को क्या बोल रहे हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आप ध्यान से सुनिए। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर एग्जर्ट करेगा ओवर द टेस्टिस। जैसे आप समझ लीजिए कि आपके पास कॉटन की बॉल है, रुई की एक बॉल है, उसके चारों तरफ आप कस करके, खूब ज्यादा कस करके पॉलीथीन लपेट दिए, पन्नी लपेट दिए, तो आप समझ पा रहे होंगे कि वो जो पॉलीथीन है उस कॉटन की बॉल पे एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट करेगी। सिमिलरली यहाँ पे टेस्टिस के ऊपर ये जो टफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग जबरदस्त प्रेशर एग्जर्ट करती है किसके ऊपर, टेस्टिस के ऊपर, जो कि एक दूसरी प्राइम रिक्वायरमेंट है फॉर द इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दो मैकेनिकल या कह सकते हैं फिजिकल फैक्टर्स हमने देखे। इसके पहले हमने एक फिजिकल फैक्टर देखा था, थर्मल फैक्टर, टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था कि स्क्रोटल सैक में टेस्टिस को लाया ही इसलिए जाता है क्योंकि स्क्रोटल सैक के अंदर स्लाइटली कह सकते हैं 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर होता है देन नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि प्राइम रिक्वायरमेंट है किसके लिए, इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अभी मैं दूसरा फैक्टर आपको बता रहा हूं जो इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, कि एक्स्ट्रा प्रेशर होना चाहिए, थोड़ा सा अधिक क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। तो इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए दो प्राइम रिक्वायरमेंट्स हमने देखी, एक तो लो टेम्परेचर और एक हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जो है, ये दो प्राइम रिक्वायरमेंट्स हैं किसके लिए, इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो टेम्परेचर वाला फैक्टर तो हमने देख लिया कि स्क्रोटल सैक में आ जाता है, वहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे कि डेट्रूसर मसल, पैम्पलीफॉर्म, प्लेक्सस और स्वेट ग्लैंड्स, ये मिल करके टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, थर्मो रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और यहाँ पे मैंने बताया कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ओवर द टेस्टिस, जो इन्वेस्टमेंट है टेस्टिस के ऊपर इंपॉर्टेंट, ये एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट करता है फॉर द इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका सुनिए ध्यान से, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन सुनिए ध्यान से, कि ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है, ये जगह जगह पे टेस्टिस के अंदर यहां पे इस तरीके से इन्वेजिनेशंस बनाती है, कई जगहों पे आउटर या लैटरल टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में इस तरीके से ये अंदर की तरफ क्या हो जाती है, इन्वेजिनेट हो जाती है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, इन्वेजिनेट हो जाएगी। तो इस चीज को बड़े ध्यान से आप देखिए,
हमने आपको बताया कि ये ट्यूनिका एल्विजिनिया है और जगह जगह पे अंदर की तरफ इस तरीके से क्या हो जा रही है, इनवेजिनेट हो जा रही है। फिर ये जगह जगह पे क्या हो जा रही है, इस तरीके से इनवेजिनेट हो जा रही है। यानी अगर हम आउटर या इस वाले ये आउटर लेटरल टेस्टिकुलर चैम्बर में देखें तो यहाँ पे ये एक क्या बन गया, सेप्टा बन गया। इसी तरीके से ये एक क्या बन गया, सेप्टम बन गया। यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ट्यूनिका एल्विजिनिया है, ये जो ट्यूनिका एल्विजिनिया है, इसको आप ऐसे समझिए, मैं यहां पे अपनी फिंगर लेकर के अंदर की तरफ धसा दूं, यहां पे अपनी फिंगर रख करके अंदर की तरफ धसा दूं। तो जब फिंगर को अंदर की तरफ यहां पे मैं धसा दूंगा तो यहां पे ये जो इसके ऊपर ये जो कवरिंग है रेड वाली, ये भी क्या हो जाएगी, अंदर इमेजिनेट हो जाएगी। फिर मैं अगर अपनी फिंगर को निकाल ले रहा हूं और वो कवरिंग वहीं पे पड़ी रह जा रही है तो एक पार्टीशन डाल देगी इस चैम्बर के अंदर। इस चैम्बर के अंदर ये इस तरीके से क्या डाल देगी, ये पार्टीशंस डाल देगी। इस पार्टीशंस को हम लोग बोल रहे हैं सेप्टम, इसको हम लोग बोलेंगे सेप्टम। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ट्यूनिका एल्विजिनिया का ये है कि ये इट सेंस इनवेजिनेशंस इनटू आउटर और लेटरल टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स, और इस इनवेजिनेशन को हम लोग बोल रहे हैं सेप्टम, एंड इट डिवाइड्स आउटर और लेटरल टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स इनटू इनटू मैनी लोब्स, इनटू लार्ज नंबर ऑफ लोब्स। ये कई सारे लोब्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। जैसे यहां पे एक पार्टीशन है तो एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, यहां पे एक पार्टीशन है तो एक लोब ऊपर एक लोब नीचे। इस तरीके से कई सारे पार्टीशन बन जाएंगे बिकॉज ऑफ द इन्वेजिनेशन ऑफ ट्यूनिका एल्विजिनिया, किसमें, आउटर या लेटरल टेस्टिकुलर चैम्बर में। एंड इट डिवाइड्स लेटरल टेस्टिकुलर चैम्बर इंटू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स और लोब्यूल्स, और इन कंपार्टमेंट्स या लोब्यूल्स को, इन कंपार्टमेंट्स या लोब्यूल्स को मैं बोल रहा हूं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनको मैं बोल रहा हूं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इनका नंबर हर एक टेस्टिस में होगा 250, वेरी कर सकता है 200 से लेकर के 300 के बीच में, लेकिन हमको एनसीईआरटी का अकाउंट या डेटा याद रखना है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नंबर इन ईच टेस्टिस कितना होगा, 250, 250 होगा। और अगर हम इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर देखें, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए कि इस हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर यहाँ पे इस तरीके से ब्लाइंड हाइली क्वाइल्ड, ब्लाइंड मतलब एक तरफ बंद होगी और दूसरे एंड पे ये क्या होगी, ओपन होगी। इस तरीके से हाइली क्वाइल्ड अबाउट 6 सेंटीमीटर एंड 0.2 मिलीमीटर डायमीटर का हाइली क्वाइल्ड टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन टिब्यूल्स को हम लोग बोलते हैं सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स। और मैंने आपको बताया कि इन सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स का नंबर 1 to 10 हो सकता है, नियरली कम की तरफ, जनरली कम की तरफ होगा, या हम कह सकते हैं 1 से लेकर के 3 तक होगा इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, मैं ये बोल रहा हूं कि हर एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अगर हम देखेंगे तो लगभग 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होंगी। और ये जो सेमाइनिफेरस टिब्यूल है, ये वो एक्चुअल प्लेस है जहां पे स्पर्म प्रोडक्शन होगा, यानी कि जहां पे प्रोसेस होगी किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से सेल से स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। और इस सेमिनिफेरस टिब्यूल, यानी कि ये कोनिकल शेप टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर 1 से 3, 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है, अपने लेवल पे हमको याद रखना है, 1 से 3 क्या प्रेजेंट होगी सेमिनिफेरस टिब्यूल, और सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर क्या होगा, स्पर्म प्रोडक्शन, और हम इसको क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस, डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। और अब इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अलावा ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये जो स्पेस बचा रह जा रहा है, इस स्पेस को मैं बोल रहा हूं इंटरस्टीशियल स्पेस। और इस इंटरस्टीशियल स्पेस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और चूंकि ये इंटरस्टीशियल स्पेस में प्रेजेंट हैं,
इसलिए हम लोग इनको इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिंग बोलते हैं, इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट सेल का नाम हमको याद रखना है, इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिंग, या कॉमनली इनको हम लोग बोल देते हैं इंटरस्टीशियल सेल, जो कि प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। एंड नीडलेस टू से कि मेन जो एंड्रोजन होगा इसको हम लोग बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन, इसको हम लोग बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन। तो दूसरी बात आपको समझ आ गई, हमने आपको बताया कि ये जो सेमानीफेरस ट्यूबल्स है इनके अलावा जो बची जगह रह जा रही है इस टेस्टिकुलर ट्यूबल में, उस खाली जगह को, उस स्पेस को हम लोग बोल रहे हैं इंटरस्टीशियल स्पेस, और इस इंटरस्टीशियल स्पेस में जो सेल्स प्रेजेंट है इनको हम लोग बोल रहे हैं इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिग, या इनको हम लीडिग सेल्स बोल सकते हैं कॉमनली। और ये इंटरस्टीशियल सेल्स या लीडिग सेल्स या इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिग, इन ये जो है ये सिंथेसाइज करेंगी या प्रोड्यूस करेंगी मेल सेक्स हॉर्मोन्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एंड्रोजन, एंड मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, टेस्टोस्टेरोन, विच प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऑल्सो रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की कैन से। तो ये हमें समझ में आ गया। अब यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल और इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिग के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट सेल्स हो सकती हैं, और ये जो सेल्स हैं दीज सेल्स आर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। और ये जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स हैं दीज आर बेसिकली मैक्रोफेजेस। ये क्या होंगी, मैक्रोफेजेस होंगी जो फैगोसाइटिक इन नेचर होंगी, जो इम्यून सिस्टम का पार्ट होंगी, जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो ये तीसरी बात हमें समझ आ गई कि एक तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होंगे एक से तीन, बची हुई जगह को हम लोग क्या बोलेंगे इंटरस्टीशियल स्पेस, जिसमें इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिंग होगी, और इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिंग क्या बनाएंगे, टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे। और हमने आपको बताया कि इंटरस्टीशियल स्पेस में ही कुछ और इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं, और ये जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स हैं दीज आर नथिंग बट मैक्रोफेजेस। ये क्या है, मैक्रोफेजेस हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी, इम्यून सिस्टम के लिए क्या होंगी, ये रिस्पॉन्सिबल होंगी। और भी कुछ चीजें हो सकती है जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू होगी, ब्लड वेसल्स होंगी, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, लेकिन हमको बस इतना याद रखना है। तो एक बार मैं तेजी से इसको रिवाइज कराता हूं आपके लिए। मैंने आपको बताया कि जो टेस्टिस है ये कहां पे प्रेजेंट है, स्क्रोटल से या स्क्रोटम में। दो टेस्टिस हैं यूजली, मैंने आइडियल कंडीशन की बात करी है, ऐसा नहीं है कि हमेशा होगी। टेस्टिस जो है, पहली चीज तो हमने आपको बताया कि दो होंगी इन आइडियल कंडीशन, एक भी हो सकती है मोनो ऑर्किडिज्म बोलते हैं, दो से ज्यादा हो सकती है पॉली ऑर्किडिज्म बोलते हैं। और हमने आपको बताया कि ये सेपरेटेड होंगी, अलग अलग चैम्बर में होंगी, लेकिन इन सम केसेस हमको देखने को मिलता है कि ये दोनों आपस में फ्यूज्ड होती हैं, जिसको हम सिन ऑर्किडिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन मैं 12th के लेवल पे बात कर रहा हूँ अगर, तो यहाँ पे सिर्फ कितनी टेस्टिस होगी, दो टेस्टिस होगी, और प्रेजेंट कहाँ पे होगी, स्क्रोटम में या स्क्रोटल सैक में, और लेफ्ट वाली टेस्टिस थोड़ा सा नीचे जबकि राइट वाली टेस्टिस थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होगी। और अगर हम टेस्टिस को लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं तो यहाँ पे हमको लॉन्गिट्यूडनल फिसर दिखाई देगा, जो टेस्टिस को दो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स में या चैम्बर्स में डिवाइड करेगा, आउटर लेटरल लार्जर और इनर मीडियल स्मॉलर चैम्बर। और फिर मैंने आपको बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है ओवर द टेस्टिस, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्यूनिका एल्विजिनिया। और ट्यूनिका एल्विजिनिया का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हमको याद रखना है, एक तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करेगी फॉर द इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा इट सेंड्स इमेजिनेशन इनटू टेस्टिकुलर सब्सटेंसेस, ये टेस्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर इमेजिनेशन बनाएंगे, यानी सेप्टम इनको बोलेंगे, जो पार्टीशन बनाएंगे और इस आउटर लेटरल टेस्टिकुलर चैम्बर को कई सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देगी, और इन कंपार्टमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलेंगे। एक टेस्टिस के अंदर नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो सकते हैं 250 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को अगर हम देख रहे हैं तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक से तीन ब्लाइंड ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकती है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, स्पर्म प्रोडक्शन, हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।
दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए अगर हम बात करें तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ए अच्छा हाँ ये हमें बताया कि ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल के अलावा ये जो स्पेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, और इनके अंदर जो सेल्स होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग और लेडिग सेल्स, जो एक्चुअली प्रोड्यूस करेंगे मेल सेक्स हॉर्मोन्स जिसको एंड्रोजन बोलेंगे एंड मेल एंड्रोजन को टेस्टोस्टेरोन बोलेंगे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अभी तक हमें पता है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, और रेगुलेट करेगा ये डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं एंड दीज इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स आर मैक्रोफेजेस जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू हो सकती है, ब्लड वेसल्स हो सकती हैं। इतना आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करिए। फिर मैं इस सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल को, यानी ये जो स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में।